अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक छोटे छोटे से मिनी मिनी से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपको बेसिकली वो फार्मूला अप्लाई कैसा करना है एग्जांपल्स पर, ओके? क्योंकि आपके सामने जो एग्जांपल्स आएंगे वो बिगर बिगर एग्जांपल्स होंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको इसमें क्या बता रही हूँ, हाउ टू यूज़ दैट स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला, ओके? सो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन इवेलुएट। मेन क्वेश्चन पता है आपको कैसा होता है, इवेलुएट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1/x² + 25। अब देखिएगा, अगर आप ये एग्जाम्पल को देखते हैं तो न्यूमरेटर कंटेन्स व्हाट सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर कंटेन्स, चेक करिएगा, देखिएगा यहाँ से डिनोमिनेटर कंटेन्स टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट x² एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट नंबर, सो दिस इज व्हाट, ये यहाँ चेक करिएगा, ये आपके पास क्या है वहाँ से वेरिएबल है, राइट? ये आपके पास क्या है, वेरिएबल टर्म है, एंड देन सेकेंड वन चेक करिएगा, ये सेकेंड कौन सा टर्म है आपके पास, ये कौन सा टर्म है आपके पास, ये नंबर है, राइट? ये आपके पास क्या है, नंबर। तो जब ऐसा केस आपके पास होगा, जब आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर होगा, फिर आपके पास नंबर होगा वहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला मिडल में कौन सी साइन है वो चेक करेंगे आप। तो मिडल में कौन सी साइन है, देखिए मिडल में कौन सी साइन है, देखिएगा आपके पास मिडल में साइन हमारे पास कौन सी है, प्लस साइन है, राइट? मिडल में कौन सी साइन है आपके पास, प्लस साइन है। नेक्स्ट आफ्टर डैट हम क्या चेक करेंगे, x² का कोएफिशिएंट यूनिटी है क्या, यस yes. क्या चेक करेंगे आप, x² का कोएफिशिएंट यूनिटी, यूनिटी मीन्स व्हाट, 1x² के फ्रंट में, यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिखा है यहाँ 1 है क्या, यस 1 है। नेक्स्ट फिर आफ्टर दैट हम क्या चेक करेंगे कि ये जो आपको नंबर गिवन है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, या वहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया है या नंबर का स्क्वायर दिया है। तो हमको क्या करना है, वहाँ पर आपको नंबर के स्क्वायर में राइट डाउन करना है, राइट? ये परफेक्ट स्क्वायर दिया है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं जो नंबर का ये स्क्वायर है। तो कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 25 को हम कैसा राइट डाउन करेंगे, 5² सो क्या राइट डाउन करेंगे आप इसको, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस नंबर को आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे इंटू dx। नाउ चेक करिएगा, वो जो हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल्स थे उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, फॉर्मूले ये जो पूरे Now we will take second question. Second question is what, integral of 1/4 − x² · dx। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म अब आपके पास क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर कंटेन 1, ओके? डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, टू टर्म्स में से भी आपके पास क्या है, पहला जो टर्म है देखिएगा वो आपके पास क्या है सोचिए आप, और दूसरा नंबर आपके पास क्या है वो सोचिए आप। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है देखिएगा, वहाँ पर नंबर है, और जो सेकेंड टर्म है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई अब क्या चेक करेंगे हम, यहाँ पर मिडल में साइन कौन सी है, फर्स्ट ऑफ फोर कौन सी साइन है देखिएगा, मिडल में कौन सी साइन है, माइनस साइन है, नंबर वेरिएबल, आप क्या करोगे, आप नंबर को कौन से फॉर्मेट में राइट डाउन करोगे, स्क्वेयरिंग फॉर्मेट में, ये नंबर है पर स्क्वायर आपको गिवन है यहाँ पर, तो जो नंबर का वो स्क्वायर है हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4, सबको पता है ये 2 का स्क्वायर है, तो 4 को कैसा राइट डाउन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2² ओके।
So you will get what? This is equals to integral of 1 upon 2 square minus what? X square into what? Dx. अब क्या चेक करेंगे आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है? स्क्वायर रूट है क्या? नो. सो दैट्स वाई 4, 5, 6, 7 ये फॉर्मूले कैंसल, ठीक है? तो ये फॉर्मूले हो गए कैंसल. तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. क्यों यूज़ कर रहे हैं हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ही? क्योंकि वहाँ पर उसके पास रूट नहीं है ना डिनोमिनेटर में. सो दैट्स वाई. अब देखिएगा नंबर, राइट? नंबर कहाँ नज़र आ रहा है? देखिएगा आपको कौन से केसेस में नज़र आ रहा है नंबर? तो फर्स्ट केस में तो नहीं है, सेकेंड केस में भी नहीं है, राइट? तो फर्स्ट केस कैंसिल, देन उसके बाद सेकेंड केस भी कैंसिल. कौन सा केस यूज़ करेंगे हम? थर्ड केस यूज़ करेंगे, राइट? थर्ड केस क्या है? देखिएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. तो परफेक्ट फॉर्मेट में है, नंबर का स्क्वेयर भी लिखा हुआ है. तो अब यूज़ करते हैं हम वो फॉर्मूला. सो ए के प्लेस पर कौन सा टर्म है? देखिएगा आपके पास यहाँ पर 2, और एक्स के प्लेस पर कौन सा टर्म है? एक्स है स्टार्टिंग के क्वेश्चन से, इसलिए मैं ये इस तरह से लिखकर बता रही हूँ. आप अगर चाहें तो, अगर आपको समझ आ चुका है तो आप नहीं भी लिखे तो चलेगा. नाउ अब हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके? अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्या लिखना है वहाँ पर? 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 2, इंटू क्या लिखना है? ए. 1 अपॉन 2 इंटू 2. देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करना है आपको? लॉग. फिर देन मॉड. नेक्स्ट आफ्टर दैट ए प्लस एक्स मीन्स वॉट? 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय वॉट? 2 माइनस एक्स. प्लस क्या राइट डाउन कर लेंगे हम? सी राइट डाउन कर लेंगे, ओके? अभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या चेक करिएगा. अब हर क्वेश्चन की आपको वो लास्ट स्टेप पता है, सिंप्लीफिकेशन होती है क्या चेक करिएगा. अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो आपका फाइनल आंसर होता है. तो 2 इंटू 2 यू विल गेट वॉट? 4. 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी. सो दैट्स वाई इस इंटीग्रल का सोल्यूशन आपके पास ये आ गया. सो हियर इज द सोल्यूशन. Now we will see next question. Integral of 1 upon under root of 9 minus x square, okay? So, in this type of integral, denominator contains what? Root, okay? Root mein terms hai denominator mein, numerator contains 1. Aur root mein kitne terms hai? Dekhiyega aapke paas 2 terms hai, right? To dekhiyega yahan par special is question mein aapke paas kya hai? Ye jo root hai. करेक्ट, ये जो रूट लिखा है वो स्पेशल है यहाँ पर. और एक एक चीज़ आपको क्या चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी है क्या? यस, यूनिटी है. सो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, 9 जो नंबर है उसको आप क्या राइट डाउन करेंगे? वो कौन से नंबर का स्क्वायर है वो नंबर हम राइट डाउन कर लेते हैं, ओके? सो देखिएगा आपके पास रूट में टर्म्स है, राइट? सो दैट्स वाई कौन से फॉर्मूले कैंसिल हो जाएंगे? यस, ये जो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले हैं ये हमारे 3 फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सो आपके पास ये जो 4, 5, 6, 7 फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे, राइट? अब इसमें से आप क्या चेक करेंगे? क्या स्क्वायर रूट के बाहर वेरिएबल है क्या? नहीं है, राइट? सो दैट्स वाई ये 7 फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल. क्योंकि स्क्वायर रूट के फ्रंट में वहाँ पर कौन सा टर्म है? एक्स है. दैट्स वाई 7th फार्मूला कैंसिल. अब आप क्या चेक करेंगे? 4, 5th और 6th. तो 4th फार्मूले में आप क्या चेक करेंगे? कहाँ पर आपके पास पहले वेरिएबल है? तो वेरिएबल कौन से फार्मूले में है? देखिएगा 4 में है और 6 में है, करेक्ट? तो 5th फार्मूला क्या हो जाएगा? कैंसिल. फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर चाहिए हमको, राइट? तो 4 में है और 6 में है. आफ्टर दैट कौन सी साइन चाहिए मिडल में? माइनस. बस यहीं पर काम ख़त्म हो चुका है आपका. कौन से फॉर्मूले का? 6 का. तो हम कौन से फॉर्मूले से गो थ्रू होंगे? 4th फॉर्मूले से. तो 4th फॉर्मूले से अगर आप गो थ्रू होंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका वहाँ पर आंसर कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहिए? अपने डायरेक्ट. तो देखिएगा यहाँ से आपके पास ए के प्लेस पर कौन सा टर्म है? 3 है. और एक्स के प्लेस पर कौन सा टर्म है आपके पास? एक्स ही है, राइट? सो दैट्स वाई क्या कर देंगे अब आप यहाँ से
डायरेक्टली इसका एक्सपांशन राइट डाउन करेंगे तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर, डायरेक्टली साइन राइट डाउन करेंगे, इनवर्स राइट डाउन करेंगे, एक्स के प्लेस पर एक्स राइट डाउन करेंगे, ए के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे आप, थ्री। हो गया है कम्प्लीट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय थ्री प्लस वॉट सी। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे, अब हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स देखेंगे ओके इसके बाद। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे से मिनी मिनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिए थे कि आपको फॉर्मूला कैसा यूज़ करना है ओके। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके साथ, आपके लिए, इंटीग्रल ऑफ 1/7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है राइट। अब देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर में वन है, यस वन है, डिनोमिनेटर कंटेन्स टू टर्म्स राइट, डिनोमिनेटर कितने टर्म्स कंटेन करते हैं, दो टर्म। ये देखिएगा फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, नंबर, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है वहाँ से, वेरिएबल करेक्ट। और सेकेंड थिंग हम क्या चेक करते हैं फिर वहाँ से टू टर्म्स होने के बाद, थर्ड थिंग आप क्या चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी है क्या, यस यूनिटी है। तो अब मसला कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, देखिएगा ये नंबर जो आपके पास है सेवन राइट, ये नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर टर्म आना चाहिए राइट यहाँ पर, या फिर ऐसा नंबर लिखा होना चाहिए जिसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, स्क्वायर। तो क्या सेवन के ऊपर स्क्वायर है क्या, नो सेवन के ऊपर स्क्वायर नहीं है। सो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेवन को परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाएंगे कैसा। सो यहाँ देखिएगा साइड में आप क्या करोगे, जो नंबर सेवन आपके पास है उसको परफेक्ट स्क्वायर प्रिपेयर करने के लिए जो भी आपके सामने ऐसे नंबर्स आएंगे, जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपके सामने अगर ऐसे नंबर्स वहाँ पर अपीयर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जो भी नंबर होगा पुट दैट नंबर इन स्क्वायर रूट ओके। क्या करेंगे आप वहाँ से उस नंबर को स्क्वायर रूट में डालिएगा, स्क्वायर रूट में डालने से चेंजेस हो गए हैं राइट, राइट चेंजेस हो गए हैं ना सेवन पे, अब ये वापस सेवन आपको कैसा मिलेगा, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, तो दिस स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, यू विल गेट व्हाट सेवन है ना, स्मार्ट थिंकिंग। तो अब ऐसे ही करना है आपको, तो जब भी आपके सामने ऐसे नंबर्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसको क्या करोगे, स्क्वायर रूट में राइट डाउन करेंगे और उसका क्या राइट डाउन कर देंगे, होल स्क्वायर, तो वो टर्म क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप देखिएगा यहाँ पर इन दिस एग्जाम्पल सेवन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रूट ऑफ सेवन होल स्क्वायर राइट, रूट ऑफ सेवन होल स्क्वायर, इससे हम क्या कर लेंगे सेवन को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने पर कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे हैं आपके राइट। सो राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइडेड बाय सेवन कैन बी रिटन एज इन परफेक्ट स्क्वायर टर्म, रूट ऑफ सेवन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यस। आप देखिएगा यहाँ से ये स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं करिएगा हाँ, क्योंकि हमने वो एडजस्टमेंट किया है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, पूरा फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो चुका है, वन है करेक्ट, देन उसके बाद रूट ऑफ सेवन होल स्क्वायर भी आ गया, नंबर का स्क्वायर भी आ गया आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही आपके पास। अब हम सोचेंगे कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो सोचिए और बोल तो अब आप सकते हैं नहीं राइट, तो मैं ही समझ जाती हूँ कि आप वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर मैं फॉर्मूले की लिस्ट बताती हूँ आपको। नाउ सी दिस थ्री सम स्पेशल इंटीग्रल्स, अब स्क्वायर रूट है नहीं तो वो लेने की भी ज़रूरत नहीं है राइट वो फॉर्मूला, तो अब हम कौन से फॉर्मूले से गो थ्रू होकर देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यस पहले क्या है हमारे पास, नंबर राइट, पहले आपके पास क्या है, नंबर है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है देखिएगा, वेरिएबल है, सो दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस नंबर वेरिएबल, मिडल में कौन सी साइन चेक करो, यस मिडल में कौन सी साइन है,
माइनस साइन है, सो दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ये थर्ड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग दैट थर्ड फार्मूला आपको स्टेप्स क्या मिलना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप 1/2a, राइट, 1/2 इंटू, देखिएगा a के प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा आपके पास, a के प्लेस पर कौन सा टर्म हो जाएगा, रूट ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे हम, रूट ऑफ 7 1/2a इंटू, फिर क्या राइट डाउन करना है आपको, लॉग मॉड, मॉड में क्या राइट डाउन करना है, a प्लस एक्स मीन्स व्हाट, रूट ऑफ 7 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस सी। अब अगर कोई टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, चेक करिएगा, होता है कुछ यहाँ, नो, राइट, सो दैट्स व्हाई हियर इज द सॉल्यूशन।